दोस्तों, वैसे तो हम हमेशा आपको जानवरों के अटैक्स के बारे में दिखाते ही रहते हैं, जिसमें आप भी यही देखते हैं कि जंगली जानवर सिर्फ हमला करना जानते हैं, फिर चाहे इनके सामने जानवर हो या इंसान। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि जब खूंखार जानवरों ने भी इंसानों को देखकर अपना रवैया बदल लिया है, और कई बार इंसानों पर इन्होंने हमला भी किया है। लेकिन किस पर प्यार बरसेगा और किस पर हमला होगा, ये तो देखने पर ही पता चलेगा। जंगल एक ऐसी जगह होती है दोस्तों, जहाँ वैसे तो कई खूंखार जानवर होते हैं, पर जब बात दिग्गजों की होती है तो यहाँ नाम सिर्फ दो जानवरों का ही आता है, जिसमें पहला है शेर और दूसरा है हाथी। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों को ही एक दूसरे पर भारी पड़ते देखा गया है, जिसमें एक क्लिप तो ये है जिसमें ये शेर एक हाथी को देख बड़े आहिस्ता से इसके पीछे जाता है, और इस पर जब अटैक करके इसे मारने के बाद अपने साथियों के साथ खाता है, तो यहाँ तो ये शेर जीत जाता है, लेकिन हाथी भी कभी कभी इन पर भारी पड़ जाते हैं। इस बात को बताने के लिए ये क्लिप भी है, जिसमें ये हिरण का शिकार करने में फेल होने के बाद शेर इस हथिनी को इसके बच्चे के साथ देखते हैं, तो कई शेर इनके पास पहुँच कर हथिनी को घेर कर उसके बच्चे का शिकार करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ शेर हाथी पर भारी थे, उसी तरह यहाँ अकेली हथिनी इन सभी शेरों पर भारी पड़ती है और अपने बच्चे के साथ यहाँ से सुरक्षित निकलती है। अब सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि इंसानों के प्रति इनका रवैया कैसा हो गया। तो चलिए इन दोनों में पहले हम शेरों को देखते हैं, क्योंकि कई बार तो ऐसा भी हो चुका है कि अचानक ही शेर इतने अग्रेसिव हुए हैं कि उन्होंने अपने ट्रेनर की भी जान ले ली। और यहाँ आप जो देख रहे हैं, इसके पीछे का कारण ये है कि कुछ महीने पहले ये शेर इस हालत में हो गया था, जिसे अगर ये लेडी बचाती नहीं तो शायद ये जिंदा ही नहीं बचता। और इस लेडी ने इस चिड़ियाघर से इसे रवाना करके इलाज के लिए भेजा, जहाँ ये स्वस्थ हो गया। और जब ये लेडी इनसे दोबारा मिलने पहुंची, तो शेर ने भी उसे तुरंत पहचान लिया और पप्पियां झप्पियां दी। लेकिन दोस्तों, क्या एक हाथी से भी यही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि हाथियों को अक्सर ऐसा ही करते देखा गया है। और ये जनाब बहुत खुशनसीब थे कि हाथी उन पर अटैक करते करते अपना इरादा बदल देता लास्ट मोमेंट पर। और ऐसा तो इस क्लिप में भी होता है दोस्तों, पर जब हाथी अटैक करने आता है तो ये आदमी डरता नहीं है, जिस वजह से आखिर में हाथी यहाँ से चला जाता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं, इस सिचुएशन में आप होते तो क्या आपका दिमाग चल पाता। पर यहाँ के मामले में देखना ये था कि शेर इन्हें पहचान लेगा या हमला करेगा, क्योंकि ये कैमरामैन और ये शेर एक समय काफी अच्छे दोस्त थे। लेकिन आज ये कैमरामैन लगभग 10 महीने के बाद इस शेर से मिलने जा रहा था, जिसे फिल्माने के लिए इसकी टीम भी पूरा बंदोबस्त करके रखी हुई थी। इसके बाद ये कैमरामैन पानी में उतरता है, और कुछ ही देर में इसकी आवाज सुनकर शेर भी उसे ढूंढ लेता है, और इसकी ओर बढ़ते हुए छलांग लगा के उसके ऊपर चढ़ जाता है। पर इसने कैमरामैन पर बिल्कुल भी अटैक नहीं किया, और यहाँ से निकलने के बाद ये दोनों दोस्त की तरह एक दूसरे से बातें करते हुए आराम फरमा रहे होते हैं। लेकिन एक नजर अब इस शख्स पर भी डालिए दोस्तों, जो कि यहाँ के हाथियों का हमेशा से ही देखभाल करते आए हैं, और जब ये एक लंबे वक्त के बाद यहाँ वापस आकर हाथियों का आवाज लेकर पुकारते हैं, तो इतने दिनों बाद भी चारों के चारों हाथी ऐसे दौड़ते हुए चले आते हैं, जैसे पापा के स्कूटर की आवाज सुन के बच्चे घर के बाहर आ जाते हैं जब वो ऑफिस से आते हैं। ऐसा ही एक दृश्य इन्होंने जब ये 14 महीने अपने हाथियों से दूर रहे थे, तब इन्होंने फिल्माया था। ये पानी के बीच में खड़े हो गए और अपने सारे हाथियों को जोर से आवाज लगाई, और इनके पास सारे हाथी दौड़े चले आते थे। ये सब तो फिर भी ठीक है दोस्तों, लेकिन एक चीता से इस बात की उम्मीद शायद ही की जा सकती है। इस मामले में चीता भी पीछे नहीं रह रहे हैं, लेकिन अगर इन्हें अपने ओनर से रियूनाइट होते देखना चाहते हैं, तो ये क्लिप बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, जहाँ पर ये आदमी जो कि अपने इस चीता से मिलने पहुँचता है, इसे देखकर चीता दौड़ा चला आता है, और आते ही जब ये आदमी उस पर हाथ फेरता है, तो उस पर हमला करने के बजाय चीता उसके हाथ को चाटने लगता है, जबकि बाकी के चीता भी इसे देख रहे थे कि अरे हमारी बिरादरी का आदमी क्या करने लग गया, मतलब चीता। फिर वो आदमी अंदर जाकर उसे खाना भी देता है, और बाकी के चीता भी इस पर अटैक करने के बजाय उस पर प्यार लुटाने लगते हैं, क्योंकि वो अपने दोस्त को फॉलो कर रहे होते हैं। और ऐसा ही
एक लेडी और तेंदुए के बीच भी देखने को मिलता है दोस्तों। जब ये लेडी जो कि काफी समय से अपने तेंदुए दोस्त से दूर थी, जब इससे मिलने वापस पहुंचती है तो तेंदुआ इसे तुरंत पहचान लेता है, जिसके बाद ये से और इनकी बच्ची को मीट खाने को देती है और आखिर में इनके साथ ही टाइम स्पेंड करती है। लेकिन जब हम इनसे हटकर एक बार लोमड़ी और भेड़िए के बारे में सोचते हैं, तब पता चलता है कि ये भी कम खतरनाक जानवर नहीं होते दोस्तों। और इस कड़ी में तो मैंने आपको इनकी कई क्लिप्स में वीडियो में दिखा चुका हूँ कि भेड़िए को एक खरगोश का शिकार करते हुए आपको दिखाया गया था, जहाँ पर इस क्लिप में एक नन्हे खरगोश का शिकार करने में ये भले ही नाकामयाब रहते हैं, पर ये किसी याक जैसे बड़े जानवर को भी मार सकते हैं। ये आप तब तक नहीं मान सकते जब तक कि मैं आपको इस फुटेज से रूबरू ना करवा दूं, जिसमें इन सब के आने की खबर पाकर ये सब यहाँ से भाग जाते हैं और जाकर दूर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं का एक साथ ही इस वजह से छूट जाता है क्योंकि यह पानी पीने के लिए आया हुआ था बेचारा, और इसे उन सब के आने का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं मिल पाया था, जिस वजह से ये सब मिलकर यहाँ इधर याक को मारते हैं। और इधर ये फॉक्स जो कि सिर्फ दिखने में ही प्यारे लगते हैं पर होते नहीं है, इधर ये भी अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं, जो था बर्फ के अंदर चूहे को खोदकर उसे अपना शिकार बनाना, जिसे कि आखिर में ये कामयाब हो जाते हैं। पर दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों इंसान के पालतू जानवर होने के लायक हैं? जी हाँ दोस्तों, इंसान कुछ भी कर सकता है। ये इस काबिल है कि एक भेड़िया जो कि बहुत ही खूंखार रवैये का होता है उसको भी पाल लेते हैं। इस क्लिप में आप इसे एक लेडी पर प्यार लुटाते हुए देख सकते हैं, जो कि इस लेडी को देखते ही दूर से दौड़े हुए चले आते हैं और आते ही इनसे लिपट जाते हैं। ऐसा ही आपको लोमड़ी के साथ भी देखने को मिलेगा, जहां पर इनकी ओनर काफी दिन बाद जब इनसे मिलने आती है, अपने ओनर को देखते ही ये जानवर उनसे अपनी वर्जिश करवाने के लिए बैठ जाते हैं। दोस्तों हाइना भी कम खतरनाक नहीं होता है, सच पूछिए तो जंगल में वाइल्ड डॉग्स के बाद अपनी हंटिंग प्रेडेटर स्किल्स में सबसे सफल होने वाली प्रजाति है, लेकिन इनमें भी इंसानों के प्रति प्यार होता है अगर इन्हें ट्रेन किया जाए। इस बात को अमेरिका के ब्रायन हॉर्न ने प्रूफ करके दिखाया है, जो अपने पेट हाइना से लगभग 1.5 साल बाद मिलने पहुंचे, जिसे देखकर हाइना भी अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहा था और उससे मिलने को बिल्कुल बेकरार था। अब एक नजर एक कुत्ते पर भी मान लीजिए दोस्तों, जो पहले तो अपने ओनर को देखकर उस पर भौंक रहा था, पर पास जाने पर ये उसे पहचानते ही उससे लिपट जाता है, क्योंकि आदमी लगभग 4 साल जेल की सजा काट कर आ रहा था तो कुत्ते को उसे पहचानने में वक्त लग गया। तो दोस्तों ये थे कुछ जानवर जिनकी इंसानियत देखकर आप रो देंगे, ऐसा हमने इस वीडियो का टाइटल बनाया था। हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने टाइटल पर और थंबनेल पर खरे उतरे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम दोबारा मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।